तो हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं जोकर फोलियर ड्वेक्स मूवी के बारे में जो कि एक अपकमिंग मूवी है और इस मूवी के जो हैं टीजर एंड ट्रेलर ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल हैं अगर आप चाहें तो वहां पर इनके ट्रेलर टीजर्स को देख सकते हैं सो जो, जो जोकर फॉलियड डेक्स फिल्म है यह 2024 की एक अपकमिंग अमेरिकन साइको म्यूजिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि 2019 में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फिनिक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ड लेकिन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमि जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्न ऑफ पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डीसी कॉमिक्स में रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टारकास्ट में है जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैलसन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज़ एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एन फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी सी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले ड्यूक्स का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर्स इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वेनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलिय ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी, जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाय करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बे, बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेयर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वॉर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी डिसम्बर ट्वेंटी से अप्रैल ट्वेंटी तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियो ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गाइज़ इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना प्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइन्टीन वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी नाइन्टीन को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज़ किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलिय ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो है अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज़ अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो ट्वेंटी में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनी रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमेटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उसमें वर्ना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो ऑगस्ट थर्टी वन ट्वेंटी वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज किया जाएगा लेकिन ट्वेंटी में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो हंड्रेड मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो फिफ्टी से सेवेंटी मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जॉकर फॉलियर डूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेवस एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाय करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बे, बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है जो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिलहड का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने uh, जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकुिन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमेटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना प्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वेनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर जो टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी नाइनटीन में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है जो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है हंड्रेड एंड थर्टी एट मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी सी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कन्फर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू एस ए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो है अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज़ किया जाएगा लेकिन 2024 में जो, जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो आ, वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर डूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफ़ी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्न ऑफ पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डीसी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैलसन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेयर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज़ एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एन फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी सी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले ड्यूक्स का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर्स इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गाइज इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें बॉर्ना ब्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वेनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी को इसे यू में रिलीज किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो, जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलिय ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी, जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डीसी कॉमिक्स में आ, रिलाय करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बे, बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एन फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियो ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उसमें वर्ना प्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो ऑगस्ट थर्टी वन ट्वेंटी वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज़ किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलिय ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डीसी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है हंड्रेड एंड थर्टी एट मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एन फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वॉर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरफ ड्यूएक्स ने uh, जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो है अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज़ अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमेटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उसमें बोर्ना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो ऑगस्ट थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज किया जाएगा लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो फिफ्टी फाइव से सेवेंटी मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर डूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाय करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बे, बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है जो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिलहर डिवेक्स का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने uh, जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज़ एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमेटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें बोर्ना प्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वेनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर जो टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर क्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है जो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है हंड्रेड एंड थर्टी एट मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी सी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू से अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सेप्टेम्बर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है मैं कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वैनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो, जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो आ, वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्न ऑफ पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डीसी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैलसन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेयर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज़ एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एन फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी सी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले ड्यूक्स का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर्स इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज़ अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें बॉन्ना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वेनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलिय ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी, जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डीसी कॉमिक्स में आ, रिलाय करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेयर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वॉर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी डिसम्बर ट्वेंटी से अप्रैल ट्वेंटी तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियो ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो हैं अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गाइज़ इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना प्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइन्टीन वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी नाइन्टीन को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज़ किया जाएगा लेकिन 2024 में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलिय ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ड क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कंफर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यूएसए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरफ ड्यूएक्स ने uh, जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो है अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज़ अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो ट्वेंटी में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फिनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमेटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उसमें वर्ना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो ऑगस्ट थर्टी वन ट्वेंटी वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यू में रिलीज किया जाएगा लेकिन ट्वेंटी में जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो हंड्रेड मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो फिफ्टी से सेवेंटी मिलियन डॉलर्स ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जॉकर फॉलियर डूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेवस एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन किनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाय करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैलसन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ 2024 एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 138 मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वोना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिलय ड का प्रीमियर है वो फोर्थ सितंबर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कन्फर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने uh, जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो है अपराधों के लिए मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उनकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमेटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें बोर्ना प्रोस पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वेनिस में से रिलीज किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा लेकिन 2024 में जो, जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ फिलिप्स एंड इसी के साथ जो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी है वो स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर टॉट फिलिप्स ने ही लिखा है यह मूवी जोकर जो कि ट्वेंटी नाइनटीन में आई थी उसी का एक सीक्वल है जो कि डी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है उस पर यह मूवी बेस्ड होने वाली है और इसमें जॉकिन फेनेक्स ने जोकर के रूप में अपने कैरेक्टर को प्ले किया है जबकि लेडी गागा ने उनकी जो प्रेमिका उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका रोल प्ले किया है जिसका नाम मूवी में होता है हार्ले क्वीन एंड जेजी जेजी बीड्स ने भी पिछली फिल्म में अपनी भूमिका जो है अपने रोल को रिटर्न किया है एंड जबकि ब्रैंडन ग्लासिन एंड कैथरीन कीनर ने भी इसमें अपने रोल को प्ले किया है और इस मूवी के जो प्रोडक्शन है वो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड डीसी स्टूडियो के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट ने भी किया है सो so गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसका जो डायरेक्टर है वो हैं टॉट फिलिप्स एंड रिटर्न बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉट फिलिप्स एंड यह मूवी कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है जो कि डी कॉमिक्स में आ, रिलाई करता है एंड इसमें मेन स्टार कास्ट में हैं जैकुिन फेनिक्स लेडी गागा ब्रैंडन गैल्सन कैथरीन कीनर एंड इसी के साथ जेजी बैट बैट्स एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वह है लॉरेंस शेर एंड अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं वर्ना ब्रोस पिक्चर्स डीसी स्टूडियोज एंड जॉइंट एफर्ट एंड इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तो वो है जो वर्ना ब्रोस पिक्चर्स एंड रिलीज़ डेट इस मूवी की होने वाली है अक्टूबर फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड अगर हम बात करें इसके रन टाइम की तो वह भी ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है हंड्रेड एंड थर्टी एट मिनट्स इसका रन टाइम होगा एंड इसके जो बजट है वो होगा अराउंड टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तो जोकर की जो है एक कल्पना स्टैंड ऑल एंड फिल्म के रूप में की गई थी लेकिन वर्ना ब्रोज ने फिल्म को के लिए डी सी ब्लैक फिल्म सीरीज नाम की जो है सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया था लेकिन फ़िलिप्स ने सीक्वल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया तो इसी के कारण इस मूवी के जो है जोकर के लिए अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए भी इसके जो एक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था लेकिन जून 2022 में इस मूवी के डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने की हमें न्यूज़ मिली जिसके बाद उसी ईयर में गागा एंड बिड्स भी इस मूवी में शामिल हो गए एंड मेन शूटिंग जो है इसकी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू से अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल एंड बेलेविले में न्यू जर्सी में हुई जो जोकर फिले का प्रीमियर है वो फोर्थ सेप्टेम्बर 2024 को एटी वनथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह सेकेंड अक्टूबर 2022 2024 को यूनिवर इंटरनेशनली रिलीज़ भी होने की जो है हमें कन्फर्म न्यूज़ मिली है लेकिन यू एस ए में यह फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को रिलीज़ होगी और इसकी जो पहली फिल्म है उसी की तरह फॉलियर ड्यूएक्स ने जो है क्रिटिक्स को मिक्स रिएक्शन देने पर मजबूर किया जिसमें कि जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन कॉस्ट्यूम म्यूज़िक सीनरीज एंड इसकी जो फिनिक्स और इसमें जो गागा हैं उनकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा हुई इसी के साथ इसकी जो स्क्रीन प्ले यानी कि जो इसकी स्क्रीन पे लिखी गई एंड इसके जो कैरेक्टराइजेशन है एंड इसकी थ्रीम को भी दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया गया फिल्म की जो कहानी है वो अरखाम असाइलम में सेट की गई है जहाँ जो आर्थर फ्लैग है वो जोकर के रूप में अपने जो है अपराधों के लिए मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं एंड फिल्म आर्थर की जो है ड्यूल पर्सनालिटी एंड लव के लिए जो उनकी सर्च है एंड उसी के साथ संगीत के प्रति उनके जो फैशन है उस पर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और जैसा कि अगर आपने इस मूवी इसकी पहली वाली मूवी में देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी को दिखाते हुए आ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है सो so गाइज अगर हम इसी के साथ अगर बात कर लें इसकी प्रीवियस मूवी की जो 2018 में आई थी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार होने वाली है सो so गई इसकी जो पहली मूवी है वो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो भी टॉड फिलिप्स ही थे एंड इसी के साथ उसकी स्टोरी भी टॉड फिलिप्स एंड स्कॉट सिल्वर ने लिखी है और इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसमें आते हैं जैकविन फेनिक्स एंड रॉबर्ट डेनीरियो रेजी बैड्स एंड फ्रांस कॉर्नॉय इसी के साथ अगर हम बात करें इसके सिनेमाटोग्राफर की तो वो है लॉरेंस शेर एंड मेन इसकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें वोना पिक्चर्स विलेज शेडो uh, रेड शो पिक्चर्स ब्रांड क्रिएटिव एंड इसकी जो रिलीज डेट है वो अगस्त थर्टी वन ट्वेंटी नाइनटीन वैनिस में से रिलीज़ किया गया था एंड अक्टूबर फोर्थ 2019 को इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया एंड अगेन अक्टूबर फोर्थ को ही इस मूवी को यूएसए में रिलीज़ किया जाएगा लेकिन 2024 में जो, जो जोकर टू मूवी है उसको एंड इसका जो आ, वन का जो रन टाइम था वो 122 मिनट्स का रहा था एंड इसका जो बजट था वो 55 से 70 मिलियन डॉलर ही रहा था लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन बिलियन डॉलर्स का तो इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो जोकर फॉलियर ड्यूएक्स मूवी होने वाली है यह कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी क्योंकि पिछली बार तो इसका बजट भी अंडर हंड्रेड मिलियन था लेकिन इस बार बजट भी टू हंड्रेड मिलियन है तो यह मूवी काफी अच्छी होने का जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और अब इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ